नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। जीबी पंत अस्पताल के द्वारा आयुष्मान भारत की योजना से रेफर किया गया सावित्री दास, उम्र 58, कदमतला निवासी, जिन्हें कलकत्ता के रूबी अस्पताल में रेफर किया गया था, आज 6 दिन हो चुके हैं उन्हें रूबी अस्पताल में भर्ती नहीं मिल पाया है और रेफर किए जाने के बाद भी उन्हें एयरपोर्ट पर अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं दिया गया। जब मरीज के परिजन रूबी अस्पताल में फोन किए तो उन्हें बताया कि 2 घंटे लग जाएंगे एम्बुलेंस आने में। उनके बाद वे गाड़ी करवाकर अस्पताल गए और वहां पहुंचने के बाद उन्हें भर्ती नहीं करवाया गया। इसके कारण वे पहले दिन निकट के एक लॉज में ही ठहरे और अगले दिन जब गए तब उन्हें बताया कि उनकी भर्ती नहीं हो सकती क्योंकि अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा उनका समझौता नहीं हुआ है, इस वजह से उनको भर्ती नहीं करवाया गया। जबकि अंडमान निकोबार स्वास्थ्य विभाग द्वारा सावित्री दास को आयुष्मान भारत के द्वारा जीबी पंत अस्पताल से रेफर किया गया था। आइए जानते हैं मरीज के परिजन ने क्या। नमस्कार, मैं न्यूज आप तक से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। खबर मिली है कि आपको पोर्ट ब्लेयर से कलकत्ता रेफर किया गया है आपका पेशेंट को। तो कितने तारीख को आपको रेफर किया गया था? 6 तारीख को रेफर किया गया। 6 तारीख को। और आप लोग कब पहुंचे थे कलकत्ता पे? 8 तारीख को पहुंचे। और पेशेंट को क्या क्या बीमारी क्या थे उनको? ट्यूमर है, ट्यूमर ऑपरेशन कराना है। ट्यूमर कहाँ पे? ट्यूमर पेट के नीचे। ओके, तो ठीक है। तो ये हमें खबर में ये भी मिला है कि वहाँ पे अटेंडर को अटेंड नहीं कर रहा था, वहाँ के जो हॉस्पिटल जहाँ पे उनको रेफर किया गया है, तो ऐसा कुछ है क्या? आप क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में? एक्चुअली हम लोग जब लैंड कर रहे थे तो वहाँ से बोला, अंडमान से बोला कि जो आयुष्मान भारत का कार्ड बनाएगा वो बोला एम्बुलेंस आ जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा खुद। हम बोला ठीक है, हम लोग पे कर देंगे, एम्बुलेंस आ जाए ना। पर हम लोग यहाँ पहुंचे तो एम्बुलेंस वाला कॉल किया तो बोला कि 2-3 घंटा लेट होगा अगर आने में एम्बुलेंस, तो तब तक हम लोग कहाँ वेट करेंगे? हम लोग यहाँ है नए आए, तो हम लोग कैब करके हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल गए तो गए थे, इसके पहले कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम गए हो? फर्स्ट टाइम है। पेशेंट आपका क्या लगते हैं? पेशेंट रिलेटिव है, पापा का बहन लगता है। पापा का बहन है। बुआ है आपका? हाँ जी। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने कैसे वहाँ से एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक गए? हम लोग उसके बाद अपना गाड़ी बुक करके कैब बुक करके फिर गए वहाँ से, कैब में गए। ओके, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद तो उसका इतना सारा लगेज था तो हम लोग लगेज लेके पहले वहाँ से होटल लॉज चले गए। लॉज से हम लोग रिटर्न यहाँ पे 1 घंटा के अंदर खा पी के वहाँ से रेस्ट करके 1 घंटा के अंदर वापस हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचे तो कॉपरेशन इंडेक्स में बात करने बोला। कॉपरेशन इंडेक्स में बात किया तो बोला आप लोग वेट करिए। वेट कराया, 3 घंटा वेट कराया पहले ऐसा जी कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा, हम लोग क्लियरेंस मिलना चाहिए जीपन से। जीपन से जहाँ आयुष्मान कार्ड बनता है वहाँ से क्लियरेंस नहीं दे रहा। 3 घंटा बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग जो रिपोर्ट वपोर्ट दिखा प्रेस्क्रिप्शन जो डॉक्टर यहाँ से मेल करे थे ना देख के पेशेंट का रिपोर्ट लेके बोला आप लोगों को ये टेस्ट कराना पड़ेगा। उसमें कुछ कुछ ब्लड टेस्ट था, ईसीजी रिपोर्ट्स था, इकोकार्डियोग्राफी, वो सब कराने बोले। तो वो कराए, कराने में कम 2 दिन लग गया। 1 दिन नहीं खा के आने बोला तो उस दिन नेक्स्ट दिन वापस आए, नहीं खा के आए तो करा लिया। वो सारा का आपको पेमेंट देना पड़ा होगा? हाँ, सारा पेमेंट करना पड़ा हम लोग को जी। कोई इश्यू नहीं था, बोला सारा पेमेंट करा हम लोग। सारा पेमेंट करने के बाद सारा टेस्ट हो गया। होने के बाद फिर डॉक्टर बुलाया ब्लड टेस्ट के लिए अलग से, फिर से बोले ये सब टेस्ट आप लोग कराए नहीं, फिर टेस्ट कराइए। फिर उसके लिए और 1 दिन टेस्ट के लिए, फिर रिपोर्ट आने के लिए 1 दिन लगता। मतलब आज रिपोर्ट दिए तो कल सुबह में रिपोर्ट मिलेगा। okay. तो वैसा और 1 दिन वेट करे, तो वेट करे 4 दिन हो गया ऑलरेडी। और पेशेंट थोड़ा हालत खराब था करके पेशेंट को हम लोग इमरजेंसी में भर्ती करे। इमरजेंसी में भर्ती करे और उन लोग दवाई ववाई दे के पेशेंट को छोड़ दिए कि हम लोग एडमिट नहीं कर सकते। डॉक्टर बोलेंगे तो एडमिट करेंगे, हम लोग पास परमिशन नहीं है। हमारा पेशेंट तो सीरियस, आप लोग एडमिट कर लीजिए, आयुष्मान भारत हम लोग को नहीं चाहिए, आप लोग हम लोग खुद पे करके हम लोग कर लेंगे। बट उन लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होता, एक बार डॉक्टर जब बोले डॉक्टर से मिलना तो उस टाइम पेशेंट को नहीं। आपने तो ये बोला था कि हम लोग आयुष्मान भारत का जो स्कीम है
उससे जो फायदे मिलता है वो फायदा आपको नहीं चाहिए, लाभ जो उठाते हैं लोग तो वो आपको नहीं चाहिए करके आपने क्लियर कट बोल दिए थे। इतना हम लोग घुमा रहा उसके बाद आपने ये भी बोले कि आप लोग अपने जेब से पे कर देंगे, मतलब आप लोग पे कर देंगे जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा, उसके बाद भी उन लोग मना करे, उसके बाद भी हम लोग एडमिट करने से मना कर दी कि डॉक्टर का जो डॉक्टर बोलेंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बोल दिया। और ये बताइए हॉस्पिटल का नाम क्या है, ये हॉस्पिटल का नाम पूछने बोल गए? रूबी जनरल हॉस्पिटल। ओके ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आपने पोर्ट ब्लेयर में किसी से कॉन्टेक्ट किए? पोर्ट ब्लेयर में जो पियाली बाशु करके है जो हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाता है उससे कॉन्टेक्ट किया, उससे बात किए तो बोला कि यहाँ पे रोगी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाएंगे जब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, तो हमने ऐसा सब बोला जी। तो रोगी हॉस्पिटल से हम लोग को ये बोला, तो हमने उसका असिस्टेंट से बात की, तो असिस्टेंट से बात करने के बाद वो क्या बोला कि हाँ हम लोग ऐसा रजिस्टर करना पड़ता है ना, तो बिना कार्ड का तो काम नहीं होगा। ठीक है मैडम से बात करके देखती बोला, तो उसके बाद वहां से कोई रिटर्न कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना ही हम लोग रिटर्न कॉल करे। हम यहाँ चार बार यहाँ रोगी हॉस्पिटल ने पूछ लिया कि एडमिट क्यों नहीं कर रहा है करके, क्या प्रॉब्लम है करके, तो कुछ रिस्पांस नहीं है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर फिर बोल दिया, डॉक्टर इमरजेंसी में देखने तक नहीं आया, तो हम लोग डॉक्टर आप आगे यहाँ देख लीजिए। पेशेंट हॉस्पिटल में बैठा है, डॉक्टर अभी जस्ट देखा, देख के बोला, फिर से और एक मेडिकल क्लियरेंस का टेस्ट दे दिया और एक पीएससी का टेस्ट दे दिया, वो करा के लो, फिर 5 दिन का दवाई दे दिया, दवाई दे के बैठा दिया, एडमिट नहीं करा, आज भी नहीं करा, आज कराने का बात था आज। इसके बारे में जब हमारे पॉडलर के संवाददाता अखिल द्वारा डीएचएस ओमकार सिंह जी से इस विषय पर जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आइए अखिल से जानते हैं। नमस्कार, आज हम आए हैं डीएचएस हेल्थ सर्विसेज पोर्ट ब्लेयर, यहाँ आज हमने यहाँ पर डायरेक्टर ओमकार नाथ सिंह जी से बात करने की कोशिश की है। उनसे हमारे कुछ सवाल थे, एक पेशेंट है सावित्री दास करके जो कदम तल्ला की रहने वाली है, उनसे यहाँ पर जीबी पंत हॉस्पिटल से रेफ़र करा गया था कोलकाता रूबी हॉस्पिटल पे कुछ ट्रीटमेंट के लिए, और वो वहाँ पर यहाँ से रेफ़र करके वहाँ पर उन्हें भेजा गया था। हालांकि वहाँ पर कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, सब रेफरल लेटर लेकर गए हैं वहाँ पर और उसके बाद भी उनसे कोई भी उनके लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद ये पता चलता है कि अंडमान गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं करी है, ये बोला गया है हॉस्पिटल में एज़ पर द सोर्सेज। जब हमने ओमकार नाथ जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें मना कर दिया था इंटरव्यू देने के लिए एंड किसी भी प्रकार के लिए वो हमारे सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि हमको किसी प्रकार के इंटरव्यू या इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे सकते। जब हमें ये पता चला, हमारी टीम को ये पता चला कि वहाँ पर अब भी वो पेशेंट जो है उनको वहाँ पर कोई भी एडमिशन दिया नहीं जा रहा, वो हाँ वहाँ पर पहली बार गए हुए हैं, मेलन जैसे जगह पर वो पहली बार गए हुए पेशेंट प्लस अटेंडर, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है वहाँ का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कब तक ऐसे निगलेंस करते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं अखिल छाबरा, आप तक अंडमान। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।